नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और मास्क न लगाने को लेकर चालान कटा तो वो आग बबूला हो गया। इतना ही नहीं, वो पुलिसकर्मियों को गाली भी देने लगा। हालांकि अब आरोपी और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें दिखा कि मुंबई के मुलुंड इलाके में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और मास्क न लगाने को लेकर चालान काटा गया तो आरोपी ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझ पड़ा। मास्क नहीं लगाना, घूमेगा ना मोबाइल फेंक देगा, समझा क्या? तो क्या करने का करो, प्यार मोहब्बत से बोल रहा है, मतलब समझ जाने का, क्या करने का करो भाई। तुम्हारा ड्यूटी ये नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी पूरे रस्ते में घुमा गया तुम, तुम पूरे रस्ते में घुमा गया, फाइन ले रहे, पूरा फाइन ले रहे, फाइन नहीं लिया तुम, क्यों बोलता है तुमको? अरे पूरा मेरे रिकॉर्ड है मेरा, ब्लैक टिंटेड कार जाएगा तुम्हारा, फट जाता है। अरे फोटो निकाल सकते हैं, तुम्हारे में ताकत है क्या? है ना ताकत। इस दौरान आसपास के लोग भड़के शख्स को समझाते रहे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ और मास्क न लगाने की बात बार बार कहता रहा। अरे लोग क्या करेगा, वर्दी पहन लिया मतलब क्या भाई हो गया तुम, बहुत बड़ा, तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है? बोलो डायरेक्ट, तुम काय का सर्वेंट है गवर्नमेंट का भाई? मास्क लगाओ ना, मास्क लगाओ ना भाई, मास्क लगाओ ना। नहीं लगाएगा मास्क? पुलिस के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब दो कांस्टेबल आरआरटी रोड पर ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान उन्हें एक वाहन नो पार्किंग जोन में खड़ा दिखा तो उस पर कार्रवाई करते हुए जतिन नाम के शख्स पर जुर्माना लगाया गया। इसके बाद बगैर मास्क आए जतिन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ उलझ गया। हालांकि बहस करने के बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। हालांकि बाद में उसने अपनी गलती मान ली। आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और जो पुलिस, मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो भी सर को जितना खराब लगा हो, उनको मैं तहे दिल से फिर से माफी मांगता हूँ। दरअसल मुंबई में ब्रेक द चेन कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस ने सख्ती की और कई लोगों के चालान काटे। इस दौरान कई लोग इसी तरह से पुलिस से उलझते दिखे।